देखिए मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, लोगों के दिमाग में बैठा है कि 12th में अगर बायो है तभी मैं मेडिकल सेक्टर में करियर बना सकता हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है, 12th आप किसी भी विषय से पास हो, जैसे 12th में आपके आर्ट्स है, कॉमर्स हो या साइंस हो, किसी विषय से आप 12th पास हैं तो पारा मेडिकल में करियर बना सकते हैं। तो मेरा खुद का मानना है कि अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन में ऑनर्स करने से बेहतर है क्या बैचलर डिग्री OT MLT रेडियोलॉजी या फिजियोथेरेपी करें, जो कल की डेट में आप इससे अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। जैसे हम लोगों के बीच में एक कहावत है सर कि मेडिकल के बच्चे कभी बेरोजगार नहीं बैठते हैं, तो यकीनन ये कि ऐसा सेक्टर है जिसमें अपॉर्चुनिटी भर भर के है। बस नमस्ते प्रणाम, अभी आप देख रहे हैं RP न्यूज़ और जैसा कि बता दें अभी हम मौजूद हैं जगनपुरा में। जैसा कि आप लोग अगर मेडिकल लाइन में अपना लाइफ को बनाना चाहते हैं, चाहे अपना ज़िंदगी उसमें जीना चाहते हैं, तो आपको बता दें हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं डॉक्टर संदीप कुमार, जिनका एक इंस्टीट्यूट है खनक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। अगर इसमें आप लोग एडमिशन कराना चाहते हैं तो बाकी सर से हम जानने का कोशिश कर रहे हैं कौन सा इसमें कोर्स है, बाकी सर बताएंगे। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आप लोग अगर मेरे चैनल के माध्यम से आइएगा तो यहाँ पर आप लोग को विशेष छूट दिया जाएगा। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार सर, धन्यवाद RP न्यूज़ लाइव को और RP न्यूज़ लाइव को देखने वाले सभी श्रोतागण को स्वागत है खनक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में। अच्छा सर, यहाँ पे कोर्स अवेलेबल कौन कौन सा कोर्स अवेलेबल हो जाएगा अगर स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे, तो कौन सा कोर्स उसको मिलने वाला है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में बताता हूँ। हमारे इंस्टीट्यूशन का नाम है खनक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये पटना न्यू जगनपुरा में सिचुएटेड है और बहुत जल्द ही एक दूसरा इंस्टीट्यूशन यानी खनक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का सेकेंड ब्रांच सरमेरा नालंदा में ओपन होने वाला है। अब रही हमारी कोर्सेज की बात, तो हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, लाइक BNYS बैचलर नेचुरोपैथी योगा साइंस, DNYS डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी योगा साइंस, फार्मेसी, OT MLT रेडियोलॉजी फिजियोथेरेपी, ये सभी का बैचलर और डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल है। साथ में छोटे कोर्सेज सर्टिफिकेट कोर्स लाइक CMS एंड ED ड्रेसर, OT टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ये सब भी अवेलेबल है। जैसा कि सर कम खर्च में बढ़िया कोर्स करके यहाँ से स्टूडेंट निकल के अच्छा कमाई कर सके, ऐसा कोई कोर्स? देखिए स्टूडेंट को कमाई करना है तो मेडिकल सेक्टर में उसे नॉलेज चाहिए। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो 10th पास भी आप कर सकते हैं, जैसे OT MLT रेडियोलॉजी कर सकते हैं 10th पास डिप्लोमा, या 12th पास है किसी भी विषय से तो भी आप कोर्सेज कर सकते हैं OT MLT रेडियोलॉजी फिजियोथेरेपी, ये सब की बैचलर। 10th के बाद कुछ ऐसे कोर्सेज है जो 1 ईयर का है जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं इजीली, जैसे ड्रेसर, एक्सरे टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन, ये सारे छोटे कोर्सेज है जो 10th के पास इजीली बच्चे कर सकते हैं। अच्छा, जैसा कि देखा जा रहा है अभी इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं खर्च जितना होता है मेडिकल में, जिस तरह से देखा जा रहा है GST वगैरह उतना खर्च जुटा नहीं पाते किसान लोग, अगर वहाँ से बच्चे अगर आपके पास आना चाहेंगे तो किस माध्यम से कैसे आएंगे? देखिए हमारे पास से जो कोर्सेज स्टार्ट हो जाते हैं वो 30,000 से शुरू हो जाते हैं, यानी 30,000 से शुरू हो जाते हैं, लाइक ड्रेसर वगैरह। एक खास बात आ, जो RP न्यूज़ के द्वारा जो भी बच्चे आएंगे उनको हैवी डिस्काउंट टोटल फी में दिया जाएगा, या वैसे बच्चे जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पैसे को लेकर, तो पूरी कोशिश रहेगा कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़े। उसके लिए हमारे इंस्टीट्यूशन एक स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट कराता है, बच्चे जितने मार्क्स लाएंगे उतने उनके परसेंटेज में डिस्काउंट हो जाएगी टोटल फी में, यानी कहने का मतलब है कि गरीब के बच्चे भी पढ़ सकते हैं सर, बस उनके पास टैलेंट होना। बिल्कुल। अच्छा, आपके जो सेकेंड ब्रांच आपने जैसा बताया कि सर मेरा नालंदा में ओपन होने वाला है, तो कब लगभग कितने समय में लमसम ओपन हो जाएगा? चलिए आपके चैनल के द्वारा अनाउंस करता हूँ, ये इसी मंथ में यानी जुलाई 2024 के मंथ में ही सर मेरा नालंदा में ओपन होने जा रहा है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें वहाँ पे रेडी हो चुके हैं, हमारा लैब, क्लासरूम, ऑफिस, सारे चीज़ रेडी हो गए हैं, बस कुछ ही दिन का इंतज़ार है, बहुत जल्दी ओपन होगी, अभी इसी मंथ में सर। अच्छा, यहाँ पे सर लमसम आपके यहाँ पे जो चले रहे हैं अभी क्लासेस चल रहे हैं, कितने स्टूडेंट यहाँ पे अवेलेबल हैं? सर आज की डेट में हमारे पास 221 बच्चे हो चुके हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि मात्र कुछ ही मंथ ओल्ड यानी 7-8 मंथ ही ओल्ड इंस्टीट्यूशन है जो 221 बच्चे का एडमिशन हो रखा है सर, जिसके रेगुलर क्लासेस चलते हैं। हमारे पास हाईली क्वालिफाइड टीचर होते हैं, पर्सनली मैं भी क्लास लेता हूँ, जो मेरे पास एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 10 ईयर का है सर टीचिंग। अच्छा, का कोई बच्चे अगर एडमिशन आपके यहाँ लेते हैं सर, वो अगर क्लास नहीं कर पाएंगे तो उनके लिए क्या सुविधा रहेगा?
सर जो बच्चे क्लास नहीं कर पाते हमारे सेंटर पे वो ऑनलाइन क्लासेज कर लें। हम लोग ऑनलाइन क्लासेज की सुविधा देते हैं, यानी क्लासेज करना मस्ट है। मेरा मानना है कि अगर आप क्लास नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो आपके पास नॉलेज नहीं होगी, और नॉलेज की कमी होगी तो अच्छे जॉब नहीं मिल पाएंगे सर। तो बेहतर होगा आप क्लासेस करें, ऑनलाइन क्लासेस करें। अगर आप नहीं आ पाते हमारे सेंटर पढ़ने के लिए तो ऑनलाइन करें, लेकिन क्लासेज मस्ट है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे के मन में सर, ये स्टूडेंट के मन में रहता है कि ठीक है, हम अफोर्ड कर रहे हैं, इतना खर्च करके हम क्लास कर रहे हैं, बाकी हम कोर्स कर रहे हैं, अगर कोर्स मेरा ख़त्म होता है उसके बाद कहीं ना कहीं हम सेटल हो सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, हमारा खुद का एक हॉस्पिटल है, माधव केयर हॉस्पिटल, जो खनक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का एक अपना हॉस्पिटल है। साथ में 17 ऐसे हॉस्पिटल है जो हमारे साथ एसोसिएट है, लाइक एडवांस पटना सेंट्रल हॉस्पिटल, मेडिग्लोब हॉस्पिटल, राधिका हॉस्पिटल, बेल्स हॉस्पिटल, रेडियंट हॉस्पिटल, ये सब ऐसे हॉस्पिटल है जो हमारे साथ एसोसिएट है। यानी बच्चे वहाँ पे प्लेसमेंट के लिए मैं भेजता हूँ, और साथ में अगर इंटर्नशिप भी बच्चे को चाहिए तो मैं वो सारे हॉस्पिटल में इंटर्नशिप के लिए भेजता हूँ। कुल मिलाकर अगर आप स्टडी करते हैं तो जॉब आपका सिक्योर है, अगर आपके पास टैलेंट है तो। कि सर ने अभी बताया कि अगर आप यहाँ से कोर्स करते हैं तो आपको जॉब के लिए भी ऑफर किया जाएगा, जैसा कि सर ने बताया इतने हॉस्पिटल से इनका कनेक्ट है, बाकी आप लोग अगर आते हैं तो यहाँ पे आपको दिया जाएगा, डिस्काउंट किया जाएगा। बाकी सर अगर आपके पास दूर से स्टूडेंट आते हैं, जैसे गांव देहात से आते हैं, तो उनके लिए हॉस्टल का फैसिलिटी या फिर रहने का कोई फैसिलिटी वगैरह? जी, हमारे यहाँ हॉस्टल का भी फैसिलिटीज है, बॉयज़ और गर्ल्स का सेपरेट हॉस्टल है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे प्रीफर करते हैं बाहर पीजी में लेना, क्योंकि उसे वो सस्ता पड़ता है। नहीं, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जिनको संभव नहीं है रूम लेकर रहना, हो सकता है कि हॉस्पिटल, जैसे बहुत सारे लड़कियां हैं रूम लेकर अकेले रह नहीं सकती हैं, तो उनके लिए हॉस्टल का सुविधा? तो हमारा किम्स हॉस्टल है, आप बच्चे वहाँ पे रह सकते हैं इजीली। क्लास इसी कैंपस में चलता है, उस तरफ हमारे दो क्लासरूम है, ऊपर में दो क्लासरूम और दो लैब हैं। मेडिकल लाइन में अपना लाइफ बनाना चाहते हैं तो सर के पास आएँ। क्लासरूम हो गया सर का, बाकी अभी छुट्टी का समय है, छुट्टी है, बाकी कुछ स्टूडेंट यहाँ पे हैं, इनसे जानने का कोशिश कर रहे हैं। जितना बताया है सुविधाएं, क्या वो सुविधाएं मिल रही है यहाँ पे? हाँ, सारा सुविधा मिल रही है, ठीक है ना। अब तो और भी स्टूडेंट आएंगे तो उनसे भी पूछिएगा, वो सब सारे बात बताएंगे, जो भी बात है यहाँ का, ठीक है ना, पढ़ते हैं क्या करते हैं सब बता देंगे, ठीक है ना। क्या सर ने जो बताए हैं, जो सुविधाएं बता रहे हैं, क्या सुविधाएं मिलती हैं यहाँ पे? जी, यहाँ पे सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, यहाँ पे कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं है कि आपको आएंगे तो पढ़ाई नहीं होती, ऐसे सब कुछ प्रॉपर वे में होती है, लैब वगैरह भी कराए जाते हैं, प्लेसमेंट भी दी जाती है। ठीक है, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, लोगों के दिमाग में बैठा है कि ट्वेल्थ में अगर बायो है तभी मैं मेडिकल सेक्टर में करियर बना सकता हूँ, हालांकि ऐसा नहीं है। ट्वेल्थ आप किसी भी विषय से पास हो, जैसे ट्वेल्थ में आपके आर्ट्स है, कॉमर्स हो या साइंस हो, किसी विषय से आप ट्वेल्थ पास हैं तो पारा मेडिकल में करियर बना सकते हैं। और मेरा खुद का मानना है कि अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन में ऑनर्स करने से बेहतर है कि बैचलर डिग्री OT, MLT, रेडियोलॉजी या फिजियोथेरेपी करें, जो कल की डेट में आप इसे अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। जैसे हम लोगों के बीच में एक कहावत है सर कि मेडिकल के बच्चे कभी बेरोजगार नहीं बैठते हैं, तो यकीनन ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अपॉर्चुनिटी भर भर के है, बस खुद को आप तराशिए, उसके बाद आप ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं। और रही आपकी टेंथ के बाद, तो टेंथ के बाद भी मैंने पहले बताया कि बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे एक्सरे, CMCD, OT टेक्नीशियन, ये सारे कर सकते हैं। एक कोर्स है सर CMCD एंड ED, इसमें खास बात यह है कि जैसे रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर की तरह, RMP की तरह, ये कोर्स करने के बाद भी आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, पेशेंट देख सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आप करियर में आपको बहुत ऊपर ले जाएगा, ग्रो अप करेगा। जैसा कि अगर आप मेडिकल लाइन में अपना लाइफ को बनाना चाहते हैं तो किम्स में आइए, खनक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि आप लोग के लिए एक ऑफर लेकर आया है। अगर जिस प्रकार से आप लोग करना चाहेगा उस प्रकार से आपको यहाँ से हेल्प किया जाएगा, बाकी आपका कोर्स होने के बाद यहाँ से आपके जॉब के लिए भी अप्लाई किया जाएगा क्या? जी सर, कोर्सेज कंप्लीट होने के बाद हम लोग बच्चों को प्लेसमेंट 100% देते हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर